नमस्कार, मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करिश्मा कौशिक के नाम से। तो बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी की, जिसको एक तरह से अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो पर्व है, ये पर्व की अगर तिथि की बात करें तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पे ये पर्व मनाया जाता है, करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद और दीपावली से ठीक 10 दिन पहले। और इसके साथ ही साथ इस पर्व का जो महत्व होता है वो बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर आप चाहते हैं कि आपकी संतान की दीर्घायु हो और साथ ही साथ वो हर क्षेत्र में अव्वल रहे, तो इसके लिए इस व्रत का करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस व्रत को करने से अहोई माता की कृपा बरसती है और साथ ही साथ आपको संतान से अगर किसी भी तरह से परेशानी आ रही है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। और अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश, तो संतान प्राप्ति भी हो जाती है। तो इस तिथि को अगर देखा जाए, जो 2020 में ये तिथि पड़ रही है वो पड़ रही है 8 नवंबर 2020 की, दिन होगा रविवार का। इसके साथ ही साथ अगर पूजा विधि की बात कर ली जाए तो पूजा विधि के लिए आपको सुबह उठ करके स्नान करना है, हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अब संध्या काल के समय में आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आपको क्या करना है, अहोई माता का चित्र आपको स्थापित करना है। एक चौकी ले, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें और साथ ही साथ इस चौकी को आप उत्तर पूर्वी दिशा में स्थापित कर दें। अब इस पे अहोई माता की प्रतिमा या चित्र जो है वो स्थापित करें। सिंघाड़े, मालपुए या फिर खीर और पूरी, इन सब का भोग आप लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं और साथ साथ पंचमेवे का भोग लगाएं। ऐसा करने से और ये जो है एक तरह से आपके प्रसाद के रूप में काम आएगा। अब अहोई माता की कथा पढ़ें। अब इसमें बहुत ज्यादा एक तरह से महत्व होता है कि जब अहोई आठे का व्रत रखा जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें चांदी के मोती धागे में पिरो करके पहने जाते हैं। तो पहले ये जो चांदी के मोती हैं ये आप लें और ये जो मोती हैं ये आप अहोई माता को अर्पित करें। साथ ही साथ इसके कथा करने के बाद आप ये माला जो है धारण कर लें। इसके बाद आप शाम के समय यानी संध्या काल में तारा देख करके अर्घ दें। अब देखिए, तारे का बहुत ज्यादा इस दिन इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तारे आकाश में अनेक होते हैं और साथ ही साथ ये चमकते बहुत हैं, इनके अंदर चमक बहुत होती है। और अगर देखा जाए तो हमारे अंदर भी ये इच्छा होती है कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी आने वाली संतान, हमारे कुल की संतानें जो हैं वो तारों की तरह चमकती रहे और हमारे परिवार में किसी भी तरह की कोई दुख दुविधा ना आए संतान को लेकर के। क्योंकि आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि जिस परिवार में संतान नहीं होती वो परिवार बहुत अधूरा माना जाता है। और इसी तरह से अगर आसमान हम देखें और उसमें तारे ना दिखे तो आसमान भी बहुत अधूरा लगता है। तो इसीलिए बच्चे के लिए, अगर संतान प्राप्ति के लिए आप व्रत रख रहे हैं या संतान की तरक्की उन्नति के लिए आप व्रत रख रहे हैं, तो अहोई अष्टमी का जो व्रत है ये तारे को अर्घ दे करके खोला जाता है। इसके बाद तारे को अर्घ दें। जल आपको जो अर्घ देना है वो बहुत ही थोड़ा देना है, क्योंकि ये जो जल आप रखते हैं ये दीपावली तक चलना चाहिए। और दीपावली पे यानी 10वें दिन आप इस जल से अपने घर में छिड़काव करते हैं और जो आपने मोतियों की माला धारण कर रखी थी वो आप पूजा के समय इसको उतार करके अगले साल वापस से धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पूजा विधि है अहोई आठे की, और इस पूजा विधि को करके आप अहोई माता की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और भी ऐसी बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।